विजय सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी के हत्यारी सरकार इस्तीफा। क्या विशेषाधिकार हनन का नोटिस? हाँ। तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है वो लेकर के मीडिया गैलरी में पहुंच रहे हैं। और पवन जी, विशेषाधिकार हनन की बात सामने आई है। माननीय सदस्यों के साथ, विधानसभा, विधान परिषद और सांसदों के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है अध्यक्ष जी को, और अध्यक्ष जी इसका सम्मान करें, क्योंकि जब तो नेता प्रतिपक्ष थे तो ये करते थे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर के चैम्बर के आगे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। क्या आप लोगों से खतरा है? डर स्वाभाविक है, गलत किए होंगे तो डर लगता होगा उनको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर, लोकतंत्र के हत्यारी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, लोकतंत्र के हत्यारी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हत्यारा नीतीश इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हत्यारा नीतीश इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चलिए हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हो गया, हो गया, हट जाइए। पीछे कैमरा लगा हुआ है, सब हट जाइए। अरे बैठिए भाई साहब, बैठिए, बैठिए। कल जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च पर लाठी बरसाई गई और सांसद को, विधायक को, प्रमुख कार्यकर्ता को जिस तरह से सर पर लाठी मारा गया, ये सरकार के निर्देश पर ये हुआ है और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। 2 बजे सदन चलना था, अनुपूरक बजट पर हम लोग को भाग लेना था। हम लोग आग्रह करते रहे कि सदन की कार्यवाही में जाने दिया जाए, लेकिन ये लोग हम लोग को रोक करके रखे, लाठियां बरसाते रहे। ये हमारे विधायकी कार्य में बाधा उत्पन्न किए हैं। आज हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहा, विशेषाधिकार हनन का पत्र दिया और हमने आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा अध्यक्ष था और आप आए थे अपने मुख्य सचेतक ललित, माननीय ललित यादव जी के साथ। आपके नेता ने कहा था कि लोगों पर लाठियां बरसी है, हमने स्पेशल कमेटी गठित किया, डीजीपी मुख्य सचिव को बुला करके बैठक भी किया था। 1 साल से वो विशेषाधिकार हनन का मामला क्यों रुका हुआ है जो विधायकों पर लाठी बरसी थी, और आज फिर से वही खेल खिलाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी हमेशा विधायिका को अपमान करते हैं और विधायिका को हतोत्साहित, डिमोरलाइज करते हैं। इस तरह का खेल सदन की गरिमा नहीं बढ़ाता है, और आसन से आप कस्टोडियन का रोल अदा नहीं कर रहे, सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे विधायिका लज्जित हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। आप इमीडिएट विशेषाधिकार हनन का नोटिस लीजिए और इस पर कार्रवाई करिए। आज प्रोटोकॉल कमेटी पर भी आपने बैठक नहीं किया, 1 वर्ष से विशेषाधिकार कमेटी की बैठक तक नहीं किए हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र में इन लोगों को विश्वास नहीं है। अगर जो इस नोटिस पर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या राज्यपाल से भी मिलने जाने का? आज 3:30 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ हम सभी विधानमंडल दल के सदस्य जाएंगे। ये इनका नियति बन गया है, विपक्षियों की आवाज को दबाना, सदन से बाहर करना, अपमानित करना, आसन की गरिमा को गिराना इनकी नियति बन गई है। जब मानवता मर जाता है तो लोक लज्जा और संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास घट जाता है। ये पुलिस और प्रशासन कह रही है कि उनकी विजय सिंह की लाठीचार्ज में मौत नहीं हुई है। आप एक चीज बता दें कि बिना पोस्टमार्टम के कैसे डीएम का वक्तव्य आया, कैसे वक्तव्य आया? ये हस्तिनापुर के गुलामों, आप सरकार के पक्ष में प्रवक्ता बनते हैं, उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। और मैं बता दूं, सारा फुटेज निकाल करके मैं रख रहा हूं, जो जो सर पर लाठी बरसाया उस पदाधिकारी को चिन्हित करके
सत्ता बदलते ही कार्रवाई के लिए हम लोग करेंगे काम।